होता ये है कि जब आप कोई आपके पास एक फाइल मौजूद है ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, ये वाली नहीं करते, इसके बजाय ये करते हैं क्योंकि क्लियर नज़र आएगी, मैं इसलिए वीडियो ले रहा हूँ, वरना तुम लोग कहोगे पका दिया ही दिखा दिखा के, लेकिन खाली ले लेते ताकि क्लियर नज़र आए ठीक है। बहुत हमें शॉर्ट पीरियड लेना है वरना हमारी फाइल बहुत हैवी हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत थोड़ा सा पीरियड लेना है। ये ज़ीरो फ्रेम पर है हम इस वक्त, 2 सेकंड बहुत होंगे हमारे लिए ठीक है। या ये कर सकते हो कि ये फाइल नॉर्मल चले कि दरमियान किसी हिस्से को करना है, या कोई लंबी फुटेज ले लो, ये ज़्यादातर देर तक बोल रहा हो, इनको ले लो अगर, शायद नहीं भी देर तक बोली है, ऐसी बात नहीं है, ये 1 मिनट ठहरा, तो आप देख रहे हैं द म्यूजिक जो है उतने पोर्शन को ले लो ठीक है, मतलब इसने बोलना शुरू किया, ये देखो तो आप देख रहे हैं, याला पीरियड ले लेते हैं, याला एरिया ठीक है, वर्क एरिया बार को सेट कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, यार तुम लोग रोजे में ऐसी बातें करते हो। अच्छा देखो इतना पोर्शन छोड़ दिया मैंने ठीक है, ये क्यों छोड़ा है कि यहाँ ये नॉर्मल रहे और इतने पीरियड में चेंज करना है। अब ये जो पीरियड है ना वर्क एरिया बार, इसको मैं रेंडर करूँगा, ये मतलब एक पॉइंट है प्रीमियर का, डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपनी फाइलों के लिए, इस काम को यूज़ कर सकते हो, उस पर फाइल पे जो काम हुआ हुआ है, हो सकता है आफ्टर इफेक्ट पे कर लिया हो या ठीक है जोई नहीं है ऐसे किया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ चीज़ समझा रहा हूँ। आप फाइल में गए, आप एक्सपोर्ट में गए और आप मूवी में चले गए ठीक है, जैसे आप रेंडर करते हैं इस चीज़ को, उसके बाद आप सेटिंग में चले गए, वीडियो में जाके आपने माइक्रोसॉफ्ट DVI डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है फिल्म स्ट्रिप, यहाँ पे आ रहा है फिल्म स्ट्रिप, देख रहे हो आप, फिल्म स्ट्रिप में रेंडर करूँगा मैं इस फाइल को, और फिल्म स्ट्रिप में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वर्क एरिया बार बताऊँगा बस, बाकी कोई कंप्रेसर वगैरह नहीं आएगा इस फिल्म स्ट्रिप में, कोई कंप्रेसर नहीं होता क्योंकि ये इसकी फिल्म स्ट्रिप बनाएगा ठीक है। अच्छा और आपने इसको फिल्म स्ट्रिप दे दिया है, बस वर्क एरिया बार बता दिया है और कुछ भी नहीं करना है, अब आपने इसको सिर्फ डेस्टिनेशन बतानी है कि ये सेव कहाँ हो रहा है, जाके काम के फोल्डर के अंदर ही सेव कर रहा हूँ मुझे ठीक है, सेव कर रहा हूँ, सेव हो रही है फाइल, और ये फाइल ओपन कहाँ होगी, फोटोशॉप पर, आपने इस फाइल को ओपन किया, डी में काम के फोल्डर में है ना, ये रही फिल्म स्ट्रिप का फॉर्मेट, साइज देख रहे हो फाइल का, 74 MB फाइल का साइज है, ड्यूरेशन कितनी कम है, कितनी हैवी फाइल है, कितनी देर में खुलेगी फोटोशॉप में, देखो नीचे रीडिंग फिल्म स्ट्रिप फॉर्मेट, एक छोटे से एरिया में काम करने के लिए ये हो रहा है, ज़्यादा एरिया ले लोगे तो क्या होगा, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, मुझे
वीडियो मतलब है 50 पिक्चर्स। बिल्कुल, अब ये देखो ये पिक्चर्स आ गई हमारे पास, एक्चुअली पिक्चर्स आ गई हैं। अब जूम करो, बहुत करीब आ गई, दूर कर दो थोड़ा। अब आपके पास ये फ्रेम्स हैं, देख रहे हो, आप इन फ्रेम में चेंजिंग कर सकते हो। इसके मुंह को बड़ा करना है, क्लोन स्टैम्प है, बहुत कुछ है, आप जितना चेंजिंग करना चाहें इसके फाइल के अंदर कर सकते हैं ना। आप कोई फनी इसका लुक बनाना चाह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल डार्क करना है किस एरिया को आपने। देख रहे हो, एक्शन कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पूरी फाइल पे कर देगा ना वो, ये मसला है ना। देख रहे हो इसके फेस कलर कितना डार्क है, कैसा हो गया चेहरा उसका। ये फ्रेम बाय फ्रेम आप काम कर सकते हो, चेंज आ जाएगी आपकी मूवी के अंदर, क्योंकि एक ही इमेज में चेंज आ रहा है ना एक्चुअली। ठीक है, कर देते हैं, बल्कि इतना इसका चेहरा चेंज कर रहा हूँ। वैसे तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसे ही है ना, मुझे तो डी शेप किया था उन्होंने उसका, बहुत मेहनत से करना पड़ेगा अगर यहाँ करना है, वरना फोटोशॉप पर वो आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे भी हो जाएगा। ऐसे मुंह गलत है ना उसने। आइए, चिढ़ा रही है तुम्हें जबान दिखाकर। सही है, मैं इतना सेव करके ले जाता हूँ ना, इतना थोड़ी करूँगा। नहीं, एक एक फ्रेम देखेंगे ना। अब इस फाइल को सेव कर दो, ये फाइल एज इट इज सेव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग सेव कर रहा है फोटोशॉप, अब फाइल वापस उठा लूंगा मैं प्रीमियर पर। सेव एज कर दिया मैंने, बिल्कुल। और अब मैं उस फाइल को जो मेरे पास है फिल्म स्ट्रिप वाली, उठा लिया वापस मैंने, और इस फाइल को इस जगह ला के रखा, तो यहाँ थी ना फाइल, ये देखो। देख रहा है, एक एक फ्रेम देखो आप चला के, चेंज है यहाँ पर। अब ठीक है, ठीक है, पता चला ना आपको। आप यहाँ से देखें इसे, एक मिनट, ये देखो। तो आप देख रहे ठीक है, पता ही नहीं चला, जाहिर है दो चार फ्रेम तो थे, क्या पता चलेंगे, लेकिन स्टिल में एक एक फ्रेम में देखो यहाँ पता चल रहा है। तो अगर ज़्यादा फ्रेम पे काम करोगे तो वो चीज़ पता चलेगी। तो अगर फोटोशॉप की मदद से एडिटिंग करनी है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, आप एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत